सब्जियों के बाद अब अंडे की कीमतों में तेजी आई है। कारोबारियों का कहना है कि ठंड शुरू होते ही अक्सर चिकन और अंडे की डिमांड बढ़ती है। इस साल भी ऐसा ही हुआ है। चिकन खाने वालों की मांग में तकरीबन 20 से 30 फीसदी का इजाफा हुआ है। दिल्ली के रिटेल बाजार में अंडे के दाम 7 रुपए पर हैं, वहीं रिटेल में चिकन के दाम 250 रुपए प्रति किलोग्राम है। मौसम में आए बदलाव के साथ ही मुर्गे और अंडे की मांग बढ़ गई है। साथ ही भारी बारिश की वजह से मुर्गियों के चूजों की मौत भी हुई है, लिहाजा आने वाले दिनों में कीमतों में और तेजी बढ़ सकती है। कारोबारियों का कहना है कि किसानों की लागत बढ़ गई है, इसीलिए थोक बाजार में चिकन की कीमत 160 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। वहीं अंडे की कीमत अभी जो थोक बाजार में 4 से 5 रुपए है, हालांकि आने वाले दिनों में ये 2 रुपए तक महंगा हो सकता है, यानी रिटेल में दाम 8 रुपए के पार पहुंच सकते हैं। दिल्ली के गाजीपुर मुर्गा मंडी में बुधवार को कीमत 150 रुपए किलो रही, वहीं आम खरीदार तक पहुंचते पहुंचते इसके दाम बढ़कर 200 से 250 रुपए किलो हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में पोल्ट्री कारोबार से जुड़े एक व्यापारी के अनुसार नवरात्र खत्म होते ही मुर्गे की कीमत में इजाफा देखने को मिल चुका है और आने वाले दिनों में तकरीबन 20 से 30 फीसदी तक ये तेजी और बढ़ सकती है। पहले से ही डीजल और पेट्रोल की कीमत में लगातार हो रही बढ़ोतरी से किसानों की लागत बढ़ी है। वहीं अब पोल्ट्री फार्मिंग करने वाले किसानों को सोयाबीन और मक्के की बढ़ती कीमतों ने परेशान कर दिया है। उत्तर प्रदेश पोल्ट्री फार्मर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के अनुसार कई महीनों से परेशान किसानों को थोड़ी राहत सी मिली है। इस महीने में भी चिकन और अंडे की डिमांड में तकरीबन 20 से 30 फीसदी का इजाफा हुआ है। इस बार कोरोना की वजह से डिमांड बनी रही। कोरोना ने देश के लाखों पोल्ट्री किसानों को पहले ही बर्बाद कर दिया है। उनका कहना है कि 4-5 दिनों की बारिश से काफ़ी नुकसान पहुंचा है। मुर्गियों के छोटे छोटे बच्चे हजारों की संख्या में मरे हैं। आने वाले दिनों में इसका भी मुर्गों की कीमत पर असर होगा। अंडे की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ है। इसका कारण यही है कि पिछले महीने भर से किसानों ने अंडे को कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ था, इसलिए एक अंडे की कीमत 7 से 8 रुपए है, जबकि थोक बाजार में 100 अंडे की कीमत 420 से 450 के बीच है। देसी मुर्गे की कीमत 360 रुपए प्रति किलो मिल रहा है, इसकी कीमत 450 रुपए किलो से अधिक है। नेशनल एग कोऑपरेशन कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर में अंडे की कीमत में खास बढ़ोतरी देखने को मिली। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे अधिक अंडे की मांग मुंबई में रही है, यहाँ 100 अंडे की कीमत 500 रुपए तक है थोक में। वहीं महादेव की नगरी वाराणसी में 500 से 600 रुपए प्रति सैकड़ा इस महीने में कीमत रही, लखनऊ में 500 रुपए प्रति सैकड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।